देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर में पहली बार सफाई कर्मचारी संघ का चुनाव हुआ, जिसमें जिले के सभी महिला पुरुष कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिले के सफाई कर्मचारी संघ का चुनाव कर संघ को मजबूती प्रदान करने की बात कही गई और कर्मचारियों के हितों को लेकर आगे की रणनीति पर विचार किया गया। और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं संगठन में जुटे हुए हैं, उनकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया गया, अगर इग्नोर किया गया, तो इसके लिए हम कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं। सिटी बस ऑपरेटर यूनिट के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने आज एक प्रेस वार्ता करते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल और निशान उठाए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पुलिस द्वारा ओवरलोडिंग का चालान किया जा रहा है, उस चालान को करने का उनको कोई अधिकार ही नहीं है। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 14 माह से एक बस मालिक पुलिस कार्रवाई से मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहा है, क्योंकि पुलिस द्वारा उसकी बस को सीज कर पुलिस लाइन में खड़ा कर दिया गया था, जो आज खस्ता हालत में हो गई है, जिस कारण बस मालिक आज पूरी तरह से कर्जदार हो गया है। गाड़ी अक्टूबर 2016 से ये पुलिस लाइन में खड़ी हुई है और इसमें कंडम हो गई है, उसके अंदर पेड़ तक उगा है, जबकि पुलिस को CPO को है चाहे ट्रैफिक पुलिस है, जिस धाराओं में उसके मालिक के चलान काटे हैं वो इनको अधिकार नहीं है। एक महीने के अंदर 4 चलान काट के द्वेषपूर्ण भावना से ये कार्य किया गया। वो मालिक इतना डरा हुआ था, उसके अपने बच्चे पालने उसके मुश्किल हो रखे, उस व्याप पे फिर मेरे द्वारा जो है माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया, क्योंकि इनको मैं बार बार पुलिस अधिकारी को अवगत कराता रहा, पुराने पूर्व के SP को अवगत कराता रहा, लेकिन किसी कानों में जू नहीं रेंगी और उसके RTI का सहारा लिया गया, तो ये अपने पुलिस का ही बचाव करते दिखे। उत्तराखंड प्रदेश सीडू इंटेक्ट के साथ साथ अनेक मजदूर संघ ने आज अपनी मांगों को लेकर जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारी दी। सीडू के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र भंडारी ने बताया कि केंद्र द्वारा पहले नोटबंदी उसके बाद GST के साथ से ही आज व्यापारी पहले ही परेशान है। हालात यह है कि आज मजदूर को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है, साथ ही मजदूरों का शोषण भी किया जा रहा है। सरकार की विनाशकारी आर्थिक नीतियां हैं, सत्यानाशी आर्थिक नीतियां हैं, जिनकी वजह से लाखों लाख मजदूर बेरोजगार हुए हैं। पहले नोटबंदी, फिर GST, लाखों फैक्ट्रियां बंद हुई, रोजगार गए। दूसरी तरफ जो 18,000 की डिमांड है कि न्यूनतम मजदूरी 18,000 मिले, उस पर कोई प्रतिक्रिया केंद्र सरकार की नहीं है।